अहंकार। दुनिया में सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है ये अहंकार। जब अहंकार व्यक्ति में आ जाता है तब उसकी सोचने और समझने की शक्ति खो जाती है। सब सारे कहने लगते हैं अहंकारी व्यक्ति की मति भ्रष्ट होती है, वो इसलिए क्योंकि वो मैं से आगे बढ़ता ही नहीं है। अच्छा काम किया मैंने किया, अच्छी चीजें लेके आए मैं लेके आया हूँ, फैक्ट्री अच्छी खड़ी हुई है सक्सेसफुल है मैंने किया है। लेकिन वो ये नहीं समझता है जब ये फैक्ट्री उसने खड़ी की है उसके पीछे हजारों हाथ लगे हुए हैं और सबसे ऊपर हाथ है ईश्वर का। ये सब वो भूल जाता है। उसकी दुनिया जो चालू होती है वो उसी से चालू होती है और उसी पे खत्म होती है। योग कहता है कि अहंकार आने से पहले ही आदमी को ईश्वर परिधाना करना चाहिए, ईश्वर में अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए ताकि वो जहाँ पर है वहीं पर रहे, ना तो वो नीचे आए, और ऊपर भी अगर उसने जाना है तो उसका प्रमोशन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हो। अब ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब कई लोग कई तरह से निकालते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब ही है कि अच्छे विचार रखना, दूसरों की मदद करना। अगर आप दूसरों की मदद करोगे तो खुद की हेल्प करोगे, अगर आप दूसरों को समझोगे तो खुद को समझोगे, और दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो खुद अच्छे इंसान बनोगे। और इसके लिए योग कहता है कि अहंकार आने नहीं देना चाहिए। जब व्यक्ति में अहंकार आता है तो उसमें लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से होते हैं। आप समझे, अहंकारी व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से होता है, और जब उसके लाइक्स और डिसलाइक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो वो इन नतीजे पर पहुंचता है, राग और द्वेष। राग का मतलब है अटैचमेंट, मुझे ये अच्छा लगता है मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जब आपको अच्छा लगता है ये भी कहीं ना कहीं आपका अहम बोलता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। कलर्स के लिए मेरे को पिंक अच्छा लगता है, रेड नहीं अच्छा लगता, मुझे क्या अच्छा लगता है और मुझे क्या अच्छा नहीं लगता। जब व्यक्ति अहंकार से ऊपर उठता है तो उसके पास लाइक्स और डिसलाइक्स, गुड और बैड जैसी कोई चीजें ही नहीं होती है। लेकिन अगर आप में अहंकार है तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रिएक्ट करते होंगे। जैसे कि राग, योग में कहा गया है लाइक्स और डिसलाइक्स मतलब राग और द्वेष। राग मतलब अटैचमेंट, कि ये अटैचमेंट फिर या किसी चीज से हो या फिर किसी व्यक्ति से हो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। अब एक कहानी ले लीजिए, कहानी नहीं इसको मैं घटना कहूंगी जो रियल है। एक महिला थी, उसके 3 बेटे थे, उसमें से उसके 2 बेटे बहुत ही हाई पोस्ट पे थे, बहुत वेल टू डू थे, और एक सबसे छोटा जो बेटा था वो ड्रग एडिक्ट बन गया था। अब ये महिला वो ड्रग एडिक्ट बच्चे के लिए इतनी परेशान होती, इतनी चिंता करती कि सारा सारा दिन वो रोती रहती। उसको प्यार तो बहुत करती है और इसके लिए बहुत रोती रहती, उसका दिमाग ही नहीं चलता, और इसकी वजह से उसको 2 बार हार्ट अटैक हुआ। अब जब उसको हमने ये कहा कि आप उसकी चिंता करना छोड़ दो, वो आपका बेटा है आप चिंता करोगे, तो नेचुरली ये बहुत ही नेचुरल फेज है कि माँ बेटी की चिंता करेगी। लेकिन क्या वो चिंता उसको वो परेशानी का हल देगी? नहीं ना, तो आप कमजोर बन रहे हो, तो ये अटैचमेंट आपको कमजोर कर रहा है। तो आप कमजोर मत बनो, पूरी तरह से स्ट्रांगली कंफर्म रहो, बेटे का बराबर ध्यान रखो, उसको खाना टाइम पे दो, उसको सब प्यार से करो, सब बराबर करो। लेकिन वो बात को सोचो कि ये ड्रग एडिक्शन से कैसे बाहर आएगा। पहले अपने आप को, अपने विचारों को, अपने शरीर को इस बात के लिए मजबूत करो। फिर उसने अपने आप को काफी हद तक मजबूत किया और उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले गई। आज उसका बेटा ड्रग एडिक्ट नहीं है, आज अच्छी सी सर्विस कर रहा है और मदर भी बहुत खुश है। तो हमें ये सोचना है कि जब भी हम किसी के लिए अटैचमेंट रखते हैं
क्या वो उसके लिए सही है, अपने लिए सही है, कहीं उनको नुकसान तो नहीं दे रही है। ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों की उन्नति ये अटैचमेंट के पीछे ही रोकते हैं। वो कुछ और करना चाहते हैं और ये करने नहीं देते हैं। यहाँ पर हम माँ बाप का भाव, हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा सहारा बनेगा, अरे लेकिन ये हम क्या होंगे, हम क्या है, ये सब सोचना छोड़ के आप अपने बच्चे की उन्नति के पीछे लगो, ये अटैचमेंट को छोड़ दो। क्योंकि ये अहंकार क्या करता है, आपकी पीढ़ियां पीढ़ियां बर्बाद कर देता है। और उसमें अटैचमेंट होता है, तो एक इंसान अगर उड़ना चाहता है तो आपको उसकी ग्रोथ पूरी तरह से रोक लेते हैं। तो ये ख्याल रखें, जब भी आप अटैचमेंट करें तो वो सही मायने में हो। योग ये कहता है कि आप अपने से अहंकार को हटा दीजिए, और जब कभी आपको ऐसे लगता है कि अहंकार आ रहा है तो वो परमात्मा की ओर देखिए, तभी आपको अपना स्तर पता चलेगा। और जब आप में अहंकार रहेगा ही नहीं तो आपको मोह भी नहीं रहेगा। और जब ये क्लेशास आप पूरी तरह से अपने मन से हटा देंगे तो आपका मन और शरीर हमेशा निरोगी रहेगा, ऐसा योग कहता है। तो क्यों ना आप आज से ही मैं की बजाय हम लोग कहना शुरू करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।